बढ़ती उम्र में, या फिर अगर आपको एग बन ही नहीं रहे हैं ऐसी कंडीशन में, या फिर हार्मोन इम्बैलेंस से महीनों महीनों से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे में अमेजिंग रिजल्ट हैं इस रेमेडी के कि 10 साल बाद 15 साल बाद भी लोगों को ट्राई करते हो गए और उन्होंने अब ये रेमेडी यूज़ की और उन्हें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण रिसर्चेज हैं और मेरा काम है कि उनको सरल भाषा में आप तक लाऊं और आप उनका लाभ उठा सकें। न्यूट्रिशन के फील्ड में काम करते हुए मैंने पाया कि डाइट थेरेपी बहुत कारगर है इनफर्टिलिटी के केस में, क्योंकि बढ़ता हुआ स्ट्रेस, तकनीक जितनी ज़्यादा बढ़ रही है तनाव उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी घट रही है, ऐसे में हार्मोनल इंबैलेंस, समय से पूर्व एजिंग साइन आना, अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स आना और एग प्रोडक्शन ना हो पाना, बहुत बड़ा कंसर्न है ये महिलाओं में और इससे इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। लेकिन आज जो रेमेडी के बारे में बताऊंगी, जिस स्टडी, जिस रिसर्च के बारे में बताऊंगी, वो आपकी आंखें खोल देगा। जी हाँ, सौंफ तो हम सबके घर में होता है, सौंफ से जुड़े कुछ कंफ्यूजन भी हैं हमारे व्यूवर्स के, उनको भी मैं एड्रेस करूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सौंफ को स्टडीज में बताया गया है कि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करता है, प्रोलैक्टिन को भी करेक्ट करता है अगर प्रोलैक्टिन भी ठीक नहीं है, और फॉलिकुलोजेनेसिस यानी कि जिस फॉलिकल के अंदर, ओवेरीज में फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल के अंदर एग डेवलप होता है, तो एग डेवलपमेंट को बूस्ट करता है क्योंकि ये एस्ट्रोजन को बूस्ट करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे एग की क्वालिटी को ख़राब करते, स्त्री बीज को जो ख़राब करते हैं एजेंट्स, उनको भी ये नष्ट कर देता है। तो सौंफ बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये बहुत सस्ता है और जो तरीका है वो इस्तेमाल में भी इतना आसान है कि लगभग सुनने वाली सभी महिलाएं जो इस समस्या से परेशान हैं उसे फॉलो ज़रूर करेंगी और इवन करती हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इसको उपयोग करते हैं, इस पर मैंने कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी बनाई हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो सौंफ का करना क्या है, सबसे पहले बात आती है अगर सौंफ की, तो इसी पर एक कंफ्यूजन है बहुत सारे व्यूवर्स का कि बड़ी सौंफ और पतली सौंफ, दो तरह की सौंफ आती है, तो हमें फर्टिलिटी में कौन सा यूज़ करना है। तो जो स्टडीज़ हुई हैं, जो रिसर्चेज हुई हैं, बॉटनिकली अगर हम देखें तो जिनको आप मोटी सौंफ बोलते हैं, जो फूली फूली सी होती है, थोड़ी बड़ी सी होती है साइज़ में, जिसमें थोड़ा सा बिटरनेस होता है, महीन सौंफ में थोड़ी मिठास होती है और वो ज़्यादातर कुकिंग में, फ्लेवरिंग में यूज़ आती है। लेकिन मेडिसिनल पर्पस से अगर हम बात करें तो जो बड़ी सौंफ जिसको बोलते हैं, जो थोड़ी मोटी थोड़ी फूली हुई होती है, उसको आपको यूज़ करना है। और आशा करती हूँ कि हमारे जिन व्यूवर्स को, जिन सब्सक्राइबर्स को ये इशू था कि कौन सी करनी है, बहुत कन्फ्यूज़न था, वो दूर हो जाएगा क्योंकि स्टडीज़ और रिसर्चेज भी इसी के ऊपर हुए हैं। अब इसका करना क्या होता है, सौंफ की आप चाय भी बना सकते हैं, सौंफ का आप ड्रिंक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडियन फैमिलीज़ में गर्मियों में सौंफ का शरबत लिया जाता है, सभी लेते हैं, ठंडाई में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ में इसके बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। लेकिन स्टडीज़ बताती हैं कि फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है, जिनको एग नहीं बन रहे होते हैं, नहीं बनते और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस नहीं होता है, उनको भी ये लेना चाहिए। तो आप कम से कम एक साइकिल में, एक महीने में, पीरियड के पहले दिन से ओव्यूलेशन तक 15 दिन तक लीजिए। अगर आपके पीरियड्स बहुत समय से बंद हो गए हैं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप एक महीने दो महीने इसको रेगुलर लीजिए। अगर किसी को इससे कोलन कफ होता है तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, सबके वातपित्त कफ का बैलेंस अलग अलग होता है। तो जब लगे कि आपको काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है तो आप इसे रोक सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन लेने का तरीका, लेने का ड्यूरेशन, अवधि, दिनों की संख्या वेरी कर सकती है। सौंफ को ड्रिंक बनाने के लिए आप रात को साफ की हुई सौंफ होनी चाहिए जिसमें डस्ट और डर्ट ना हो, एक चम्मच सौंफ टीस्पून वाली आप एक ग्लास पानी में भिगो दें, अगली सुबह सौंफ को छान लें और उस पानी को पी लें। अगर बहुत ठंडा मौसम है तो हल्का गुनगुना कर लें ताकि आपको गले में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सौंफ की चाय पीना चाहते हैं तो उसको भी पी सकते हैं, हनी ऐड कर लें सौंफ को पानी में बॉईल करने के बाद। यही नहीं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सपोज़ एग नहीं बनने के साथ साथ किसी को मेटाबॉलिज्म का इशू है, किसी को थायराइड का इशू है, तो इसके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इन्फ्यूजन्स तैयार किए जाते हैं, जीरे के साथ, कोरिएंडर के साथ, अजवाइन के साथ, तो अलग अलग इशूज़ पर होते हैं। तो आप मेरे इन स्पाइसेस पर भी वीडियोज़ देखें और अगर आपके केस में वो अप्लाई होता है तो आप मिक्स्ड इन्फ्यूजन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सौंफ की चाय और सौंफ का ड्रिंक इतना अमेजिंग है कि ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को ठीक कर देता है। पीसीओएस, पीसीओडी में ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी का प्रोलैक्टिन ऑलरेडी हाई है तो उनको सौंफ नहीं लेना चाहिए, वो सौंफ से
दूर रहें। आशा करती हूँ कि अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ में चेंजेस लाएगी, और अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएं और अपने अनुभव हमारे साथ भी शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही 800 से अधिक वीडियोस देखने के लिए YouTube सहेली चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।